इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दे ज़ुहूर दी ताजील वास्ते सलवात पढ़ो। जितने मोमिनीन मरीजिन बीमारिन अलीलिन उन्हां दी सेहत और सलामती वास्ते भी अकीदत नाल सलवात। इलाही कल्बी महजूब व नफसी मायूब वाकली मगलूब व हवाई गालिब व ताअती कलील व मासियती कसीर व लिसानी मुकर्रम बिज़ुनूब फ़कैफ़ा हीलती या सत्तार अल-उयूब या अल्लाम अल-उयूब या काशिफ़ अल-कुरूब اغفر ذنبي كلها بحرمت محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وحج بيتك الحرام وشفاعته يوم القيامة اللهم اجل لوليك الفرج वलाफ़ियत वन्नसरा वमुद्दाफ़ी उम्रे रब्बन तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम बिजाहे मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। इन दुआओं की कबूलियत वास्ते सलावात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي قرشي الابطهي المكي المدني العربي السراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله अवध नाम कामहु वकाल कुंतु नबियं व आदम बैनल माए वतेन सलवात। अलजी फि तौरात इश्तेहारहु व फिल इंजील अज़कारहु وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات مؤمنین کرام اللہ دی ذات نے جتنے ہادی ہدایت واسطے خلق فرمائیں حضرت آدم علیہ السلام کل لے کے حضرت مہدی علیہ السلام تک
असा ही वह खुश नसीब कौम है जिन्होंने सारिया हुजतां दी अल्लाह ने मुहब्बत अता फरमाई है। जितने रहबर जितने हादी अल्लाह ने हिदायत वास्ते खल्क फरमाए सारा दी मुहब्बत सारा दी विलायत सारा दी इताअत अल्लाह दी जात ने असा मजहब अहले बैत आला नू अता फरमाई। मोमिनीन कराम ढेर सारे यो जन लोग हैं जेड़े नबुवत ते रुके इमामत तक नहीं आ संगे, फिर इमामत च जल सिलसिला इमामत शुरू होया ढेर सारे लोग मुख्तलिफ इमामत रुक दे गए। मसलन पहला फिरका इमामत जरा बना वो की सानिया है, वो हजरत सैयद सज्जाद दी इमामत दे कैल नन जनाब मोहम्मद हनफिया आले पासे टुर गए। कुछ लोग जनाब मूसा काजिम अलैहिस्सलाम दी इमामत दे कैल नन, लिहाजा वो लोग इस्माइली बन गए हजरत इस्माइल दी इमामत दे कैल हो गए। कुछ लोग हजरत रिजा अलैहिस्सलाम दी इमामत दे कैल नन वाकफिया बन गए। ये फिरका इमामत दे उते बना वाकफिया कि जेडे सतवें इमाम ते इमामत को मौकूफ खत्म होवण दा ऐलान करेंदे हन, अगले आइम्मा दी इमामत दे कायल नन। लख हमद उस दी जात दे कि जिस जात ने सुलबे हुसैन चो जितने इमाम पैदा किए असा खुश नसीबा सारा दी मुहब्बत अता फरमाई। कई मौके दे कोई यो जई मासूम हस्ती औलाद बतूल और औलाद अली चो नहीं कि जिस दी मुहब्बत इमामत दे असा कायल ना हूँ, बल्कि लख हम दिन उस दी जात दे कि जिसने आखिरी नबी तो बाद सको आखिरी इमाम दी रैयत बनाया कि जिस इमाम ने आके पूरी दुनिया दे उते कानून खुदा को नाफिज करना है। अपने नाने दी नबुवत और कुरान दी हकूमत तेरे बारहवें इमाम ने नाफिज करनी है। ऐसा ऐसा मुबल्लिग़ बतूल दा बारहवां बेटा यकीन करे सो नबी दा बारहवां जानशीन ऐसा मुबल्लिग है इस कायनात दे अंदर कि जिस वेले इमाम दुनिया ना को सदेसी अखलाक नाल सारे लोग आवे सन ईसाइयां नू बड़ा फायदा होवना है। ईसाइयां नू उन्हां जौक दर जौक लश्कर इमाम जमानत शामिल होवने उस दी वजह यह है कि अल्लाह ने तुहाडे बारहवें इमाम दी इमामत दी गवाही वास्ते ईसाइयां दे नबी हज़रत ईसा को बाकी रखा होया है। जैंदी इमामत दा जैंदी इमामत दा जिस दी इमामत दा पहला गवाह मरियम दा बेटा ईसा होवे उको महदी आहदे हैं। और जिस वेले और मोमिनीन एक गुजारिश भी मैं कर छोड़ा कि जिस हस्ती दी इंतजार करेंदियां करेंदियां सारे बच्चे जवान हो गए, सारे जवान ज़ईफ हो गए, सारे ज़ईफ कब्रां दी जीनत वंज बने दुआवां मंगदियां मंगदियां अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन उन्हें जहूर दिया दुआवां मंग 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 के एडू चीज़ा मेरी कौम दे जवाना दे ज़हन च होवणियां चाहीदियां कि जिस हस्ती दी इंतजार हज़रत आदम कल घिन के हज़रत खातम हज़रत अली कल घिन के हज़रत हसन अस्करी तक और सदियाँ गुजर गई मुहिबा ने अहले बैत को जिस हस्ती दी इंतजार करेंदियाँ 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 उस हस्ती ने जहूर तो बाद पहला काम जरा करना है वो काबे की छत ते आजान देवनी है। और आजान तो बाद तेरे बारहवें इमाम ने जमात करावनी है। यानी नौजवाना दे जहनी च ये चीज़ होवनी चाहिए कि जिस हस्ती का इंतजार असा सदियाँ तो पे करेंदे हैं, जिस हस्ती का इंतजार अंबिया पे करें दन, जिस हस्ती का इंतजार जनाब सैयदा ताहिरा पे करें दी है, ता इमाम जहूर तो बाद कै मोमिन दे पहले बंगले ते नहीं मंजना, मौला ने जहूर तो बाद कै मोमिन दी दावत ते नहीं मंजना, जहूर करना ही अल्लाह दे घर रिचे ते पहले देवनी भी आजाने ते पढ़ावनी भी नमाज है। तभी तो घबरा दिया तो नहीं पाया ये चीज़ तो मेरी कौम का बच्चा बच्चा जान दे जो जहूर करना यूसुफ जहरा ने काबे दे अंदर सब तो पहले रेवणी इमाम ने आजान। इंदा मतलब है जदा थोड़ी मजलिस
थारी महफल च आजान और जमात की गल थींदी पई होवे उस वेले घबरावना नहीं चाहिदा, उस वेले परेशान नहीं होना चाहिदा कि जेंदी जिसको अल्लाह ने बकियतुल्लाह आख के कुरान च बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, मैं अल्लाह दा बकिया ये अखबार जदा पढ़ देवे एक बकिया होंदे कि वह खबर मुकम्मल नहीं होंदी भला उनका बकिया पढ़ना पौंदे, बकिया पढ़ना पौंदे अल्लाह दा पै बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम थाकुई पूरे इस्लाम ते दीन दी समझ नहीं आवनी जेड़ी वही आदम कल शुरू थई आई ओ समझ उस वक्त ना उस वक्त तक वो दीन नहीं आ सकता जब तक बाहर में दी हकूमत ना आसी। बकियतुल्लाह बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मोमिनीन जिसनों अल्लाह ने मोमना वास्ते बकिया थारी सारी फलाह और भला भलाई वास्ते रखा हुए जहूर मौला ने करना ही मस्जिद चे काबे दा दूजा ना मस्जिदुल हराम है, यानी इमाम ने जहूर वास्ते जेड़ी झा सब तो ज्यादा अल्लाह ने मुनासिब समझिए बतूल दे पुत्र वास्ते जहूर तो बाद अल्लाह ने जेड़ी जगह बारहवें इमाम वास्ते सब तो ज्यादा मुनासिब समझिए वो अल्लाह दा अपना घर है, लिहाजा अल्लाह के घर च वंजना अल्लाह के घर च बावना अल्लाह के घर नाल मानूस होमना ये बारहवें इमाम दे सिपाही दी निशानी है, क्योंकि जदा बारहवें ने जहूर करने तो पहले पहले किथा मस्जिद मस्जिदुल हराम और जहूर तो बाद आजान आजान तो बाद नमाजी चेहरे बैठे हो हमेशा आजान तो बाद नमाज होती है लेकिन उस वेले काबे के अंदर दू मासूम हस्तियां हुसैन एक जनाब ईसा और एक जनाब मादी ए ओ घराने जिस घराने तू तहजीब आके अदब दा दर्स घिंदी है। हजरत महदी फरमेसन आओ चचा जान मुसल्ला हाजिर है तुस जमात कराओ, उस वेले कई कदम हजरत ईसा पिछा हट के आखसन मेरी क्या जुर्रत है जो मैं मुहम्मद दे मुसल्ले ते खड़ के नमाज पढ़ावा, मुस्तफा दे मुसल्ले ते वो ही खड़ सकता है जिंदिया रगा च मुहम्मद अला खून होवे। उस वेले बारहवें इमाम ने करावनी नमाज हजरत महदी ने करावनी जमात और इक्तदा करनी है हजरत ईसा ने और यकीनन उस वेले काबे कोई सकून आसी जदा असली इमाम काबा जमात पिया करवेंदा हो जी। वारिस रसूल वारिस करबला वारिस हुसैन मैं वक्त दी किल्लत च थानू पता है मेरी आदत दा मैं थोड़े वक्त च ज्यादा मफाहिम पहुँचावण दा आदि हाँ, मैं वक्त गुजारण दा आदि नहीं, मैं थोड़े वक्त च ज्यादा मजहब अहले बैत और फिक्र अहले बैत पहुँचावण दा आदि हाँ, मैं कोई पंजा मिनट पूरा नहीं करना ताकि मैं एक गाल को इतना लंबा करा जो मेरा वक्त पूरा हो वे एक ही गाल च नहीं। मेरा मोहतरम मैं हरीस हाँ वक्त दा ते चांदा मजले से हुसैन ही थोड़ा एक लम्हा जाए न थी वे आए जो ही वे इमाम बारगाह दे विच कम अज कम इतना तो पता लग वे जो यूसुफ जहरा दे पिछू खड़न वास्ते साकू करना क्या चाहिदा है, साकू बारहवें इमाम दे लश्कर च वञण वास्ते तैयारी किवें करनी चाहिदी है। कदा न घबरावे नौजवान आजान तो आजान हकल नमाज वास्ते हैया अला सलाह हैया अला सलाह हैया अलल फलाह हैया अलल फलाह जरा बार बार आदा पिया हो सी हैया अलल फलाह आ भलाई अले पासे ई भलाई दा दूजा मानी फलाह दा दूजा मानी तेरे उलमा ने कीते अली कायनात दी फलाह बहबूद भलाई अच्छाई मिलदी दरवाजा अली तो खैर अमल ई खैर दा दूजा ना अली है हैया अला खैर अमल
जड़ा बारवा सदेंदा खड़ा हो सी मत मेरा मोहतरम बारवें आले पासे वो तुरसी जेड़ा अगे आजान सुन के टुरन द आदि हो सी। मेरा मोहतरम इमाम ए ऐलान नहीं खड़ा करेंदा, पहले पहले बारवें ने आजान देवनी है। और याद रखे जेड़े हकीकी मुंतजिर हिन बारवें इमाम दे उन्ना जदा बारवें इमाम दी आवाज सुननी है उन्हें को सामना न पोसी ए जेड़ी मिट्टी जो अल्लाह ने बनाई है मोमन को उन सरिश्ती च उन मिट्टी च उन जबिल्लती च अल्लाह ने वो असरात रखें कि जदा बारहवें दी आवाज आसी पूछना न पोसी मोमिन को पता लग वैसी जो ये आवाज लगती कहें अली दे पुत्र दी है। इंसान दी फितरत जागण पे वैसी तभी तक घबरा दिया तो नहीं पया मोमिनीन कराम वत हूँ ढेर सारे मोमिन नौजवान शायद इस सोच ही होमिन कि मक्का कितना दूर ते असा जो सिकंदराबाद इच आजान सुनिए कोई ऐसे लाउड स्पीकर हो सन जो बारहवें दी आवाज इत्था पहुंच वैसी जिमें सवा लख गदीर दे मजमे च बगैर साउंड दे नबी ने अली दी विलायत पहुंचाई आई। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिता हा भाई तुसा जान दे वे पढ़े लिखे लोग बैठे वे हवा जदा लहर सफर करें दी जिता आलूदगी होवे आलूदगी उता रफ्तार घट वेंदी ढेर मजमे साउंड ज्यादा लावने पौंदे आलूदगी होंदी ए दरिया के किनारे रहन वाले एडू त्रै किलोमीटर दा सिंध दा वाय है अगर ही किनारे कल खड़ के हक्कल मारो बे किनारे तक आवाज वेंदी दरिया के किनारे मारी ने हक्कल तो आवाज वेंदी है वैसे मैदान खड़ो तो इतनी आवाज ते हक्कल नहीं वेंदी क्यों उता फजा साफ होंदी है जित आलूदगी कम होवे उता आवाज सफर ज्यादा करें दी जदा बारहवें इमाम ने देवनी है आजान ए बारहवें दी आवाज दे सदके च कायनात दी खलाजत ते आलूदगी खुद ब खुद मुकदी वैसी सिद्धी बारहवें दी आवाज अल्लाह जमीन ते लहरा को हुक्म देसी। और हुण ता मोमिनीन शुक्र करो जो जितनी साइंस तरक्की करें दी गई है थोड़े अकीदे दी ताईद थी दी गई है आज बस ये कि असा अपनी आवाज इंग्लैंड तक पहुंचाऊं छोटी जी डिवाइस मोबाइल दे मोहताज हैं अगर तो सारिया उवे लहर ही वेंदियां बात उतना एक डिवाइस है मोबाइल जरा उतना आवाज ही लहर को आवाज ही तब्दील कर दें दे इतना तो फर्क मासूम ते गैर मासूम च होना चाहिए कि जेड़ा एक मोबाइल का मोहताज है वह गैर मासूम है ते जेड़ा बगैर किसी डिवाइस दे अपनी आवाज हर मनण वाले तक पहुंचावे उनको तो इमाम हदे हैं इतना तो इमाम मासूम और गैर मासूम दे अख्तियार फर्क होना चाहिए ना। अल्लाह जाने मैं गल समझा सकता पिया यकोए ना जिस वेले तेरे इमाम ने गदीर दी जमीन सवा लख दा मजमा पलाना दा मिंबर के तक आवाज वाई सकती है 100 तक 200 तक 400 बंदे तक अगर अमूमी हालत हो दी तो मेरा मोहतरम अगर जितने मोमिन आए बैठे हुए तो बिजली लगी वजे तो मैं थोड़े तक ब मुश्किल आवाज पहुंचा गिन सा ते गदीर हर बंदा मने दे सवा लख दा मजमा ते नबी दी आवाज हर बंदे तक गई वो सवा लख तक बगैर स्पीकर दे कीवे गई। अल्लाह ने उस मैदान च भी लहरा को हुक्म दिता कि जिमें पहले बंदे तक मेरे मुहम्मद की आवाज वंजे आखिरी तक उमें पहुंचावनी है। और जरा बारवा इमाम जहूर फरमेसी बारहवें दी आजान इन्हें भी लाउड स्पीकर ना हो तो सारे तक आवाज ना आसी हर मोमिन तक आसी पता किवें लगसी जेड़े नींद करें दे बैठे उन्होंने वास्ते थोड़ी जी बेदारी की अपील है
पता किवें लग सी मोमिनीन उहद दे मैदान च दू आईया हकलां, एक हक लई जो नबी शहीद हो गए, एक हक लई पिछा मुड़ के देखो नबी जिंदा है, जेड़ी हक लई नबी शहीद हो गए ओ है शैतान दी, ते जेड़ी हक लई है नबी जिंदा है ओ हक लई अली दी। जदा वापस वल है ते नबी ने पूछा जदा तुसा दौड़े वे क्यों, उन्हें कहा जी ऐसा सुना जो नबी शहीद हो गए, तो फरमाया दूजी हकल नावे सुनी जो नबी जिंदा है, उन्हें कहा जी साकू तो वह पहली हकल समझ आई है, मैदा मोहतरम आवाज उवा समझ आ दी है जेंदे नाल मिजाज मिलता होवे। हकल तो दुमे ही के मकाम तो आन बारहवें इमाम नाल मिजाज मिलता हो सी, हाय 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 हाय, ता हकल दा पता लग वे सी, हकला वाती काबे चुडू असन शैतान चुप कर वैसी हाथे हाथ रख सी, ओ तो क्या सी आओ बिस्मिल्लाह बार में दे लश्कर शामिल थी वंजो, शैतान वाती थोड़ी टंगा चु पकड़ ने के नहीं वंजना, उनु बार में दी हकल आसी काबे चु, उनु शैतान अक्सी कोनी जहूर वत गल हुआ पकड़िए पहले आली, जैदा मिजाज शैतान लो सी कु शैतान दी गल समझ आसी, जैदा बारहवें नाल मिलदा हो सी ओ को समझ, मैं कोई सोच के ना आया, मैं खुतबे दे दौरान ही सुचेंदा बेटा हामी भाई केड़ा मौजू रखा, वक्त मैं मुनासिब समझे इस वक्त अल्लाह दी भरी कायनात जो बार में तो चंगा मौजू बिया कोई है ही कोई, जैदे सदके च नमाजा कबूल, जैदे सदके च ज़कातां कबूल, जैदे सदके च हज्जा कबूल, वाबे युमन ही रोजे कल वरा, जेड़ा ही बंदा जिथा रोटी बैठा खांदा है सदका बार में दा है, वाबे वजूद ही साबत तिल अर्ज़ व समा, जैदे सदके च आसमान ढांदा नहीं जमीन फटदी नहीं, तेरे बारवा इमाम इत्थु वद के कोई बेहतर मौजू अफजलुल आमौले इंतजारुल फरज, नबिया दे सुल्तान ने फरमाया मैं मुहम्मद दी निगाह सब तू अफजल तरीन अमल मेरे बार में पुत्र दी इंतजार है, इंतजार मोमिनी ने कराम जैदा मिजाज बारहवें नाल मिलता उसी जमाना, शैतान जहूर दे वक्त इंतहाई मुतहरे को मने दू मौके इन जिता शैतान बहु मुतहरे को दने, जिता शैतान अपनी हर सरगर्मी खर्च करें दे एड़ी ते चोटी दा जोर ले दे, दू मौके इन याद रखे दू मौके, पहला मौका जदा मोमिन दे बदन चो रूह निकलता पिया होंदे उस वेले शैतान दी सर तोड़ कोशिश होंदी है जो इंदा खात्मा ईमान ते ना होवे, ओ भाई अगर जिंदगी च गुनाह थी गए तो असा तौबा कर सकते हैं, ते आखरी वेले अगर शैतान ईमान खस गए तो जिंदगी मुक वेंदी है, ओ पुराने दौर च जेड़ी बुजुर्ग दुआ दे देन के अल्लाह तेरा खात्मा बिल खैर करे, अल्लाह दी भरी कायनात च इथू वड्डी चंगी दुआ मेरी निगाह च कोई नहीं, याद रखे कायनात दा ओ कामयाब है बंदा जेड़ा मर्दे ले जेको कलमा शहादत है नसीब हो गए, आइमा तहरीन दी इमामत ओ विलायत नसीब हो गई है, आखिरी वेले शैतान उदा ईमान खस नहीं सका, उको मुशरिक ते काफिर नहीं बना संगा, शैतान हमला करें दे उको पता होंदा इंदी जिंदगी मुकदी पई है, इंदे पिछले सारे अमाल बर्बाद ता थी सन जो इको मुशरिक ते काफिर बना गिना, किवें गिलास पानी दा भर के आ वेंदे, मौत दी तलखी बड़ी सख्त है, मैं जे दे तो नरम हलवा बना के दसा बैठा मौत ही है ते मौत ही है ते मौत ही है,
लेकिन मौत वत भी मौत है, जेडी मिठी होवे मौत मौत है। ठीक है, मोमिन वास्ते मौत सौखी थी वेंदी है, लेकिन मौत मौत है, बिना दी निस्बत सौखी। होज ले कड़वाहट ते तलखी महसूस थीवण लगदी है, ते पर्दे हट देन ते अगला जहान नजर आवण लगदा है। उस वेले इंसान को अपनी मौत दा यकीन थी वेंदे। हुन इंसान हरी से इतो पता है ना, बेजा हरी से बंदा दौलत दा जिंदगी दा जीवन दा बेजा हरी से जले पता लगदा है भी हुन मेरा वक्त मौत करीब है, क्या करेंदा है, इन शैतान आदे प्यास होंदी है शिद्दत दी, मोमिन पानी मगदे, शैतान आदे ना ये पानी को एडा सौखा ते सस्ता ता नहीं, कीमत दे, मौत कल बचदा पाए पानी नाल, मौत कलू बचदा पाए कीमत दे, आदे मेरे कल केड़ी कीमत है, आदे अद्धा ईमान दे, अद्धा गिलास पी गिन, जिले अद्धा ईमान दा सौदा, वो हरीस बेजा जरा हमेशा जीवना चाहते, वो आदे जी मक पानी दे बस मेरा अद्धा ईमान गिन, अद्धा ईमान दा सौदा लग गया, मौत दी तलखी को सौखी है, वत गला खुश्क थींदा है, वत पानी दा अद्धा गिलास बदबख्त भर के आ वेंदे, आदे खुदा रा दे ऊ पानी नल तो मैं ना बचदा, ए आदे ना कीमत दे, जेड़ा अद्धा बच गई लिहाजा हुण तक जिंदगी मिलवे सी, जले पानी पीसे जिंदगी मिलवे सी, जले जिंदगी मिलवे सी वत नेकियां वदा करें, अल्लाह अल्लाह वदा करें, नतीजा के निकलता है, इन्नू ए अद्धा गिलास भी आप पींदा है, अपने ईमान दा सौदा लैंदा है, उन्नू जिंदगी दा आखरी साह ते हिचकी आवेंदी, खात्मा ईमान ते नहीं होता। तो जे को मरदे ले जेड़ा बंदा ईमान वेच वंजे अगो कोई फुर्सत कोई नहीं, सब तो ज्यादा मुतहर्रिक शैतान मोमिन दे आखरी वेले आंदा है। खुदा रा अपनी औलादा को थोड़ा जिया दसो कि जो मासूम ने दसा है जरा वक्त एहतजार आवे केड़ी केड़ी सूरत पढ़नी है, केड़िया केड़िया दुआवां पढ़नियां। असा ईरान गए, असा एमरजेंसी वार्ड दे विच, एमरजेंसी वार्ड ते आईसीयू वार्ड विच सूरह यासीन ते सूरह साफात ते जेड़िया जेड़िया हुक्म है आखिरी वेले पढ़न दिया सूरतुल मुल्क ते ओ उथे ही वार्ड च पईन जेरले ओ नर्सेज डॉक्टर देह देन जो भाई इतना एक्सीडेंट थे ते बचदा नहीं आखिरी लम्हे, ओ बजाय डेकाड्रान लामण दे ओ यासीन चाके उंदे सिरां दी पढ़ना शुरू कर देंदे। असा जहल आए जो सारी जिंदगी असा अपनी जहालत ते खुश रह गए, दुनिया इतनी सुलझ गई भाई एक डॉक्टर को पता लग वेंदे भाई ये बंदा हुण 5-7 मिनट तो ज्यादा एक्सीडेंटल मौत नहीं तक सकता, एक डॉक्टर को पता लग वेंदे या नहीं लगता, वो क्या करें देन बजाय इस दे कि बोतल ते ड्रिप में लावे नो जे 4-5 मिनट हो देन इलाज दे नाल नाल जो जो मासूम ने हुक्म दिते सूरत पढ़न दा वो नाल नर्सेस खड़ के वो सूरत पढ़ना शुरू कर देंगी। ये हस्पतालों का माहौल है। अच्छा असा बच किवें सकते हैं, जेड़ा मोमिन आजान ते लबै का के वेंदे मस्जिद मरदे ले आखिरी वेले जदा शैतान आंदा है ना, शैतान पानी चा के एक खूबसूरत चेहरे वाला फरिश्ता भादा गुर्ज चा के शैतान दे पिछू दौड़ दे ते आदे ओ बदबख्त हटवान तैनू पता नहीं दे ईमान दा मुहाफिज अल्लाह ने मैकू बनाया। मोमिन पुछदे ये कौन नहीं जेंदे पिछू आग दा गुर्ज चा के दौड़े आदे शैतान नहीं, तो मोमिन पुछदे तुसा कौन, आदे मैं मलकल मौत हाँ, सारी जिंदगी असा मौलविया ने थोड़े पैर कढ़न मलकल मौत दी डराकली शक्ल डसा डसा डसा। मोमिन हैरान थी क्या दे तू एडा नूरानी एडा मेहरबान, मैं सुनदा मी तू एडा सख्त है तो तू मेरे ईमान दा मुहाफिज, उस वेले मलकल मौत आदे हाँ मैं तेरे ईमान दा मुहाफिज हाँ, तो बड़े आराम नाल तेरा रूह में कब्ज करना है। मोमिन पुछदे वजा, मलकल मौत आ दे अल्लाह दी जात ने मैनू हुक्म दिता दुनिया च जेड़ा बंदा आजान ले फौरन मस्जिद तो टुरे
اے ملک الموت تو دے ہمیشہ چہرے دی زواری کریں دا ریا کار میں تو اتنی مدت تو تیرے چہرے دا زوارا اور رب نے میں کو حکم دیتا جدنی میرے بندے دا آخری وقت آوے اید ایمان دی حفاظت تائیں ملک الموت آپ کرنی ہے مومنین دیکھو نا کم چھوٹا جی ہے اجر دیٹھا نے محنت تھوڑی ہے نجات دیٹھی نے یا علی مدد دا ایو مطلب ہے جو علی مدد کر گئے اسا مومن مدد گھننا پسند نہ پہ کرے دے شیطان کنو ملک الموت دی سختی کنو ہر شے کنو بچن دے نسخے علی دے بچڑے دے ساگن دو جی دفعہ شیطان متحرک اس ویلے تھی سیا کہ جڑے زندہ ہو سن تے بار میں امام دے لشکر والے پاسے ویندے پین اگو والا سیا چھوٹے چھوٹے بچے نہیں اے ترول ویسنیا ایڈا سونا گھر بڑھائی کون راسیا ایڈیا سونیا زمین آتے باغا ہی نہیں ہر شے ویران کر کے پیا ویندے ویندہ تک شیطان مومن دے قدمہ چو پکڑنے لیکن جیندہ ایمان مضبوط ہو سی تیرے مذہب دے علماء نے لکھے کہ جیندہ چاند قدم شیطان کنو پٹا کے تے اگھا نکل گیا ود پہلا قدم ایندہ اپنی نگری چو ہو سی دوجہ قدم اللہ زمین کو اتنا سکیڑ دے سی جو امام زمانہ دے قدمہ چو ہو سی وقت فاصلے سمٹی جو ویسے شرط کیا ہے امام دا جوان ہونا امام دا جوان ہونا بارویں امام دی آزان دی سمجھ کے کو آمنیے جیندہ مزاج بارویں نال ملدہ ہو سی جیندہ مزاج چودہ دے نال ملدہ ہو سی جیندہ دماغ اور دل دے ہوتے بارویں امام دی حکومت ہو سی مومنین کرام وقت انتہائی مختصر ہے چند منٹ بے میں تھوڑے گھننا چاہتا ممبر حسین تے آکے میں تا لگی لپٹی گل کرن دا آدھی کوئی نہیں میں وہ کچھ بیان کرنے جو چودہ فرمے دے پے میں اپنی قوم دے جوانہ دے بازو جو پکڑ کے بعد میں دے قدمہ تک نیمنا چاہتا میں کیوں بے نماز کو ابوزہ رکھاں جے کو قرآن تے علی مشرکا کہو کو میں کیوں مومن اکھاں میڈا عقیدہ مل دے علی نال تے علی بے نماز کو مشرکا دے میں علی نال عقیدہ ملاواں یا بے نماز نال ملاواں میں کیوں حسین دے بابے کو چھوڑا کیوں میں علی دی ہاں نال ہاں نہ ملاواں کیونکہ میں تا جنت حسین دے بابے کو علی کل گھننی ہے میں تا اپنے امام دی مننی ہے مومنین کرام نوجوانہ کو بندہ تھوڑا جیا متوجہ چکرے انہا کو دیری نہیں لگنی باہر میں امام دے لشکر شامل تھی من واسطے قصور سادہ ہے سادہ اسا اپنی قوم دے جوانہ دی انگلی چو پکڑ کے نئے نیمنا چاہتے کربلا اسا انہا کو ہورالا مزاج نئے دے سامنا چاہتے مومنین کرام جب تلق اپنی قوم دے جوانہ کو مجلس حسین ہی تو سا متوجہ نہ کرے سو وہ تھوڑی ساڑی انتظاری جو بیٹھے پردے غیبت اللہ نوجوانہ بطول دے پتر کو تھوڑی ساڑی نل امیدیں انشاءاللہ تھوڑی حد تھا جو تلوارہ حسن تے شہدہ کربلا دے سرطن نلوں جنہ قاتلہ نے بھینہ تے ماما دے سامنے پتر مارن انہ قاتلہ دے سرطن جدا کر رہے تھوڑی تیاری تک کرو تھوڑا اپنے امام زمانہ کو دل تا دےو تھوڑا جی فجر دی نماز لے بنا ہک منٹ حق چاکے یو کو چاکے بطول دا بچڑا تو ظہور کر میں تیارا تیرے یو ہک کو جملہ تیرے باہر میں امام دے زخمت مرہم بن ویسیا تو پتہ کونی جو باہر میں امام کی میں پتہ گزریں دے مومنین خدا نخواستہ سارے گھاری چھے ہک میت ہوئے ہک جنازہ ہوئے میت ہک کون دے وارث ڈھیر ہون دے برا بھتیجے بھڑینجے دھیاں پوتر میت ہیک وارث دھیر میں وط پیاہ دا میت ہیک کون دے وارث کوئی ایڈا مظلوم ہے تیرا بہر و امام وارث ہیک کے میت بہتر ہے کہیں ملے اکبر دی جوانی کو رو دے
कई वेले उमल बनीन दे बचड़े दे बाजुआ को वाने रोंदे कई वेले अकबर दे बाबे दा भज दे घोड़े तू झणना मैं तो दुआ पिया देदा जितने मोमिन सादात आए बैठे वे किस्मत घिन वनी करबला लग वने मजलूम दी कब्र अली लता दी आले पासे चार वैन लिखे खड़े तेरे बहरवे इमाम दे नौजवान एडे दुखे वैन इन जिगर फट दे कै आलम दे लफ्ज नहीं कै खतीब ते जाकिर दे नहीं इमाम मजलूम करबला दी कब्र दी लता दी आले पासे अस्सलाम अला खद तरीब मेरा सलाम होवे उस रुखसारे ते जदे बोसे करबला दी गरम जमीन घिंदी रहे। मैं बोसे तर्जमा आप कीते जरा भज दे घोड़े तो झणे रुखसार दे बर जमीन बोसे नहीं घिंदी तेरी मोहब्बत को देख दिया हुआ मैं आसान लफ्ज तर्जमा कर गया दूजा मैं असलाम अला शैबिल खजीब मेरा सलाम होवे उस दाढ़ी ते जड़ी पुत्रां दे खून नाल रंगीन है बारहवें इमाम नौजवान तेरे बारहवें इमाम दे वैण ते त्रीजा वैण ता एडा औखा कीतेस अस्सलाम अला बदन सलीब मेरा सलाम होवे उस बदन ते जेको मुसलमाना लूट गिदा हा। मोमिनीन बड़ा इतराज करें दे रहन जो ये रोंदे क्यों पए असा इस गल नहीं वदे रोंदे जो हुसैन शहीद थी गए असा जानदे हैं शहादत बहुत बड़ी सादत जिन्हें को अल्लाह ने हुसैन जिया शहीद इमाम दिता होवे साक डसेसन जो शहीद कह को आदेन जिन्हें सौ सौ जवान दिया लाशा कट्ठे चाहिया होवेन साकू दे सेसन शहादत बहुत बड़ी मंजिला ते असा जानते हैं अल्लाह ने हुसैन को सैयद शुहदा बनाए सको शहादत नहीं वधी रोंदी सको वो दर्द वधे रोंदन जड़े हुसैन दे कुसण दे बाद गरीब दी लाश नाल करें दे रहन या हुसैन दियां भेणा नाल नन पवा सकदे कफन न पवा में ना मोमिनी ने सदा पूरा इलाका राजनपुर कल घिन के थोड़े मियाँ वाली तक जनूबी पंजाब गुरबत की चक्की पिसते पैन मुल्क दे जिस कोने वो थोड़े नौजवान मजदूरी करें दे मिलदन मजलसा ते आ मिलदन तारुफ करवेंदन अल्लाह न करे कोई गरीब मजदूर होवे परदेस च हादसा थी वे मौत आ वे वतन ते शरीफ कट्ठे थी वेंदन वरसा को आदन घबराओ नहीं खर्चे कल न घबराए किराए कल न घबराए मौत परदेसी चाहिए लाश वतन ते घेनाओ उंदी कबर उथई बने दे जित मां दी कबर है ओको उथई मरहबा शल दुनिया दे गम विच कदा ना रहवे ओको उथई दफने दे हैं जित सजन सुते होए नस असा इस गल नहीं वते रोंदे जो हुसैन मारा क्यों गए हुसैन शहीद क्यों थे मोमिनीन कोई गरीब ही मर वने ओ बुजुर्ग पढ़दे हन कोई मरे बेवतन देंदे लोग कफन कुठा जहरा दा चन ए पूरी तारीख है तारीख है कुठा जहरा दा चन विच मारू बन न कफन न दफन क्यों उम्मत पौशाक उतारी हुसैन मुसाफिर दे कबर नन बना सकदे मरहबा मरहबा ए अखा दुनिया दे गम विच कदा न रोवेन बस मकसद तेरी इबादत आई चंद आंसू बाय आ वन मेंबर भिरा दे हवाले कर छोड़ा मोमिनीन कराम असा इंज नहीं आदे जो हुसैन दी लाश करबला चू चढ़ावे ना मदीने नाने नाल कबर बनावे ना ना आने ना मदीने न समावे ना नबी नाल न समावे ना भिरा हसन नाल जित झण गया हा उथई कबर च बनावे ना अगर मुसलमान कल वक्त कोई नहीं कबर न बना सकदे हिक लहजा हुसैन दिया भेणिया दिया रस्सियां च खोले ना ओ भेण जेड़ी उठ दी कंड ते मुड़ मुड़ के देह दी है ते आदि हुसैन कोई भेण ई रंग च भिरा दी लाश छोड़ के वेंदी है जीवे हुसैन जीवे मैं पई वेंदी अज रुकम लल्ला अज रुकम लल्ला। अच्छा कफन नन पवा सकदे ओ कमीज ता न लुटे ना जेड़ी रहमी दी ढलदी दी गिर ज़ैनब पवाई हा हाय 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 ओ कमीज लुट के दीने भेण कल मंगियस ना ईती नी बेसो बिन अतीक मेको पुराना चोला चा दे जदा ज़ैनब पुराना चोला दिता ना ओ नौजवान ना हुसैन सामने भेण दे खरक हु व मज़ा का भेण दे सामने पड़ेंदा हा अगे वत ज़ैनब रो के पूछा अगे पुराने वत टुकड़े करेंदे एडा गरीब आवी फरमेदन मैं लामणे मेरी लाश ते लोट पाए बजड़ी
मरहबा मैं चाहता जो ज़ैनब जई भेण आवे कोई कपड़ा तो होवे। मुमिनीन बस आखिरी लफ्ज़ है, नबी ने फरमाया मेरे शिया सुनी दोस्तों जद अपने मैयत को फटे ते समाओ हाथ हवले लाओ। जद मैयत को हुसल देंदे हैं हाथों ते कपड़े भी ढेंदन लोग प्लास्टिक वाले अजकल ग्लव्स आ गए आराम नाल हर कोई हाथ लेंदे नाल बुजुर्ग खड़े होवे ना वो हुसल वाले को आदन हौले हौले करवट बदले तकलीफ न थी वे एक कौम रोवे नहीं तो चख दे जेड़ा नबी सारे मैयत नाले दी मोहब्बत करें उन्हें बचड़े दी लाश ते घोड़े भजे दे मरहबा थोड़े समझण दे सदके नौजवाना फकत घोड़े दिने भजे आदन लश्करी चो वजनी घोड़े जुदा करो जिन अजरो कमल अल्लाह अजरो कमल अल्लाह वजनी घोड़े जुदा तैन मैनु माफ फरमा मैं जदा वजनी घोड़े जुदा तैन घोड़ा ते सुंबा ते लोहे दिया नाला लिया ने मेरी कौम ते बजुर्ग जान देन बच्चा को सामना चांदा नाल लूहे दे खोलो मैं जिन्ना दे मुंह ते जो देन जेड़े हड्डियां को त्रोड़ छुड़े दे मैया दा घोड़ा ते सुंबा ते लूहे दिया नाला न लावे ना अगर ना ही लावे ना सीना पामाल हो वंजे हा एडा नरमा जे गुजारा चुमदी हाई मरहबा मरहबा शला दुनिया दे गम विच कदा न रोवे गैरत अली कौम जदा घोड़े भजन लगे न इंदा लश्कर दू हिस्सा च तकसीम हो गए अद्धे हट गए नो आदन यबना साद बेहया असा जंग च तेरा साथ दिता साडे ढेर सारे सजन जेड़े हुसैन दे रले कोस गए तू जो आदे सारा दिया लाशा ते घोड़े भजाओ लफ्ज सुने तू जो आदे सारा दिया लाशा ते घोड़े भजाओ ते क्या समझे सारे हुसैन को बेवारे से असा अपने सजना दिया लाशा ते घोड़े नहीं भजन रहे दे ओ जवाना अल्लाह जाने आसमान डठा क्यों नहीं जमीन फटी क्यों नहीं हबीब दे सजना लाश चाख दिए आदर हबीब साडे घोड़े नहीं भजन रहे दे जौन दे सजना लाश चाख दिए जौन साडे घोड़े नहीं भजन रहे दे हर कहते सजना लाशा चाहिए न अकबर की चमीज गई है डूबे वारिस लाशा बच गई है न एक ज़हरा दा चाने पिया रब्बा मरहबा चलो दुनिया दे गम विच कर फिजा दिए ज़ैनब दे चेहरे ते मौत दी सर्दी आई है कई बारी ज़ैनब मेरे मुंडे ते हाथ रख दिया या रो रो के आ दिया या अम्मा फिजा इना मुसलमान अज कोई नहीं रिहा जेड़ा आके हुसैन साडे ए दी गरीब है अज रखो मलल बस आखरी जुमला गैरत अली कौम भजदे रहन घोड़े जदा इब्ने साद ने पूछा भज गए गरीब दी लाश ते घोड़े इन्ना जवाब दिता नानो रजस न सदरा बाद जहर ही वंज दे गरीब दे सीने दिया हड्डियां कंठ नाल वंज दे हुस अज रुकम अल्लाह शला दुनिया दे गम विच गदा न रोए दूजी पे बारे सलाश रब्बा आप दे बचड़े दी है जदा बारा मुहर्रम को बनी असा दाले दफनावन है ना मजलूम दी लाश दे करीब रोंदे रोंदे बह गए आदन सज्जाद तेरे पापे ते सीने ते कुछ गोश्त ते टुकड़े न